हेलो एवरीवन चलो आ जाओ फटाफट और आज मैं नया बैच एक शुरू कर रही हूँ और उसी के साथ आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करूँगी और मैं आपको ये बता दूँ ये जो चैप्टर है आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा सा ऐसी ऐसी नई चीज़ें पढ़ोगे जो आप कभी नहीं पढ़े हो और कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ोगे जिसको लगेगा यार हमारी डेली लाइफ में ये यूज़ होता भी है क्या तो पहले बता दूं ये बैच है बैच नंबर 51 और इसमें जो मैं शुरू कर रही हूं वो नाउन शुरू कर रही हूं और नाउन जो चैप्टर है बेटा ये ध्यान रखना कि स्पोकन इंग्लिश का नाउन और जो एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश है यानी कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का नाउन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसके चैप्टर में जब आगे पढ़ते जाओगे तो पता लगेगा यार ये तो सब कुछ बेसिक है ये तो हमें आना चाहिए कुछ लगेगा आता होगा लेकिन आगे जाके आपको लगेगा यार ये तो कुछ डिफरेंट चीजें हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आप केरी लाइव और इंग्लिश बाय नीतू मैम इन दोनों चैनल पे हो हमारे फेसबुक चैनल पे भी हो आप हमारे फेसबुक में भी हो और इस चैप्टर को जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूं इसको मैं आज बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाऊंगी बने दरान लास्ट तक और अब देखना कितने क्वेश्चंस आपसे आराम से होंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में पढ़ाने जा रही हूं सबसे पहले याद रखना ये एस के सारे एग्जाम्स के लिए ये बैच उपयोगी है चाहे वो एस के सी हो सी हो स्टेनो हो एम टी हो अगर आप कहोगे एनडीए सीडीएस तो इनके लिए भी उपयोगी है डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के लिए भी उपयोगी है यानी जो भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है उसके लिए उपयोगी है अगर आप C.P.F की बात करोगे तो C.P.F में प्रॉब्लम कि उसमें पोर्शन भी है तो यह उसमें को आपके लिए होगा। जो मैं पढ़ाती हूं, में वही आता है या फिर दूसरे तरीके से बता दूं एग्जाम में जो आता है मैं वही पढ़ाती हूं और मेरे दोनों बैचेस बिल्कुल डिफरेंट चलते हैं इसलिए स्पोकन को स्पोकन की तरह पढ़ाती हूँ और एग्जाम ओरिएंटेड जो होते हैं एग्जाम ओरिएटेड चैप्टर्स उसको मैं उस चीज को ध्यान रख के पढ़ाती कि भाई क्वेश्चन ऐसे तैयारी तो करानी है तो चलिए आज शुरू करते हैं जिसके सिर्फ नाउन बच गए थे उनको भी add कर रही तो सबसे पहले नाउन का इंपॉर्टेंस क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं और ये किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है तो बेटा आसान तरीके से पहले ध्यान से समझना एक बारीक चीज को हम तो जब बच्चों से बात करते हैं जब बहुत छोटे बच्चों से तो उनको कहते हैं बोलो मां जब हम मां बनते हैं तो हमारी इच्छा होती है सुनने की मां तो जब हम उसको मां बोलते हैं तो वो हमारा मुंह देखता है और बोलने की कोशिश करता है सबसे पहला शब्द जो हम उसके मुंह से सुनना चाहते हैं वो है नाउन सो so, नाउन का मतलब होता है नाम नाम मतलब किसी का भी नाम अब आप कहोगे मैम ये क्या है मैं कहूंगी भाई ये पेन है अगर आप इसको नाम नहीं जानते हो और आपने इसका नाम दे दिया ये आ, इसको मैं पी बोल देता हूं तो पी भी नेम है क्यों क्योंकि मैंने इसको पी बोला इसको मैंने ए बोल दिया तो ए भी नाम है अगर मैं कहूंगी तीन लड़के हैं और जैसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करूंगी देर आर थ्री बॉयज इन अ रूम दर नेम्स आर ए बी एंड सी ध्यान से सु सुनना मैंने कहा कक्षा में एक रूम में तीन लड़के हैं और उनका नाम है ए बी एंड सी अब आपको बता दें मैंने कहा दे बॉयज़। पहला भी बॉय, दूसरा भी बॉय तीसरा भी बॉय तो बेटा ये कॉमन नाउन है कॉमन नाउन का मतलब होता है जब हम एक ही शब्द से सबको डिनोट कर सकते हैं जो एक ही तरह मुझे दिखते हैं टेनो के लिए दीपक ने बता दिया बेटा हर एग्जाम के लिए जो एस से रिलेटेड है प्लस जो भी एनडीए है बैंक पीओ इन सबसे रिलेटेड पढ़ा रही हूं मैं आप बहुत ध्यान से सुनना और जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए मुझसे पूछना जितने लोग पढ़े हुए हो पहले से कहीं पर भी जरा बताना ए बी और सी क्या है तब तक जब तक कि मैं कॉमन नाउन बता दू मैंने कहा ये भी बॉय है ये भी बॉय है ये भी बॉय है तीनों बॉय है तो हम कॉमन नाउन का प्रयोग कर रहे हैं कॉमन नाउन का मतलब होता है जब हम एक ही वर्ड से एक ही नाउन से उस प्रकार के सभी जीवों को या सभी वस्तुओं को नाम दे सकते हैं कॉमन नाउन अब हम आते हैं ए बी एंड सी बेटा जब मैंने पहले लड़के को नाम दिया ए दूसरे को नाम दिया बी और तीसरे को नाम दिया सी तो बेटा ये तीन अलग अलग नाम है और वो है proper noun देखो अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला अमन ने लेटर कहा मैं कह रही थी कॉमन नाउन तो आपको पता होना चाहिए था कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पहले लड़के का नाम ए है दूसरे का बी है और तीसरे का सी है जो भी सीपीओ का एग्जाम के पेपर देने वाले हैं वो बेटा प्लीज सीपीओ का जो स्पेशल बैच है वो ले, ले लेना और याद रखना कि आप वीओडी बैच लेना क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं होगा डिस्क्रिप्टिव के लिए बेटा डिस्क्रिप्टिव बैच लोगे ठीक है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव बैच अलग है मैंने कहा प्रॉपर नाम है ए बी एन सी कहा दे आर थ्री बॉयज इन द द्लासरूम तो आप कहोगे मैम द क्लासरूम क्या है बेटा ये जो द है ना द आर्टिकल है द और ये आर्टिकल का डेफिनेशन भी यही है बस कि ये नाउन के पहले आता है तो फिर क्लासरूम क्या हो गया क्लासरूम नाउन हो गया क्यों क्योंकि द आर्टिकल द भी बता रहा है क्लासरूम नाउन है दिस मीन्स हमने तीन चार चीज से पहचान कर सकते हैं पहला मैंने कहा बॉयज यानी एक नाउन जिससे हम सबको संबोधित कर दिए तीनों को दैट इज कॉमन नाउन फिर मैंने इंडिविजुअल नाम दिया ए बी एंड सी ये प्रॉपर नाउन है और द क्लासरूम क्लासरूम भी नाउन है कैसे पता चला भाई आर्टिकल द बताया अगर मैं कहूं द थ्री बॉयज द थ्री बॉयज द थ्री बॉयज अब ये द आर्टिकल किसके साथ आया बॉयज स्टडीड इन सेंट जॉन स्कूल द थ्री बॉयज स्टडीड इन अ स्कूल अस्कूल होता तब तो ये कॉमन नाउन होता मैंने प्रॉपर नाम दिया सेंट जॉन स्कूल बेटा ये प्रॉपर नाउन है तो आपको समझ में आ गया कि नाउन क्या है किसी का नाम है नाउन और नाउन जो होता है चलिए मैं आपको जो नोट्स बनाऊंगी वो आपको पूरा कंप्लीट याद रखना हर चैप्टर का आपको पीडीएफ में भी मिलेगा पीडीएफ मिलेगा पीडीएफ बता दूं मैं आपको ये देखो ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी मिलेगा आपको पूरा बना हुआ नोट्स अच्छे से बना हुआ नोट्स मिल जाएगा लेकिन जो मैं लिखवाऊंगी वो भी देखना क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझा के लिखाऊंगी बेटा एक बार पढ़ो और फिर कहीं मत पढ़ो राज अब आ जाओ ऑनलाइन को छोड़कर ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में बेटा हम लोग के जो कंप्लीट कोर्स की फी है फोर्टी थाउजेंड है ऑनलाइन हम लोग बहुत रिबेट में पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ इंग्लिश देख रहे हो अगर आप पूरा इंग्लिश जीएस मैथ्स रीजनिंग सब ले लोगे टेस्ट सीरीज सब कुछ मिला के चार हजार के अंदर ही हो जाएगा सब कुछ मिला के चलो आ जाओ फटाफट मैंने आपको जो आज चैप्टर पढ़ा रही हूं वो है नाउन मैंने कहा नाउन का मतलब क्या है अभी तो बताया नाम है नाउन क्या है नाम है नेम है यानी कोई भी शब्द जो नाम बताएगा वो नाउन है फिर मैंने कहा कि भाई नाउन की अगर बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले बताओ कि हम नाउन को पहचाने कैसे तो मैंने कहा नाउन है यानी कि नाम है इसका मतलब है अगर मैंने कहा टाइम। सबसे पहला पॉइंट यहीं पर ध्यान रखना जैसे आप आर्टिकल देखोगे आर्टिकल क्या है ए एंड द जैसे देखोगे वैसे समझ जाना कि उसके बाद जो आ रहा है वो नाउन है अगर इसकी विशेषता बताने वाले हम कोई एडजेक्टिव भी लगाते हैं तो वो अलग होता अभी खाली हम इसके बाद एक ही शब्द देख रहे हैं तो ये निश्चित नाउन है याद रखना कि नाउन कहां आता है आफ्टर आर्टिकल नाउन आता है आफ्टर आर्टिकल वंस अपॉन ए टाइम ठीक है देर लिव्ड देर लिव्ड क्या अ बॉय अब जरा देखो ध्यान से अगेन आर्टिकल ए आया बेटा ये क्या है नाउन अ बॉय बेटा अगर मैं कहूं देर लिव्ड अ बॉय यानी एक लड़का रहता था अब मैं यहां नहीं लगा के मैं यहां पे लिख दू टू तो बेटा टू लिखूंगी तो बॉयस लगेगा आप कहोगे मैम इसको भी बॉय कह रहे हो इसको भी बॉय कह रहे हो तो ये क्या है कॉमन नाउन का मतलब भाई इसको भी बॉय कहा इसको भी बॉय कहा इसका मतलब है कि कॉमन नाउन अगर मैं आर्टिकल की बात कर रही हूं तो इसके बाद नाउन आता है सबसे पहले ध्यान से सुनना कॉमन नाउन क्या है कॉमन नाउन का मतलब है द नेम ऐसा नाम गिवेन टू ईच वन ऑफ द सेम टाइप भाई देखने में मुझे एक ही जैसा लग रहा है तो मैंने कहा बॉय 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 मुझे देखने में ऐसे तीन और है लिखने का ही काम में आता है पेन 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 इसका मतलब है कि ये कॉमन नाउन है देर लिव्ड टू बॉयज अब उनका नाम देर नेम्स वर राम एंड श्याम देखो ध्यान से मैंने कहा उनका नाम क्या था राम एंड श्याम अब राम और श्याम क्या है भाई ये है प्रॉपर नाम भाई प्रॉपर नाम है ये प्रॉपर नाउन क्या है प्रॉपर नाउन द नेम यानी कि द प्रॉपर नेम एकदम एग्जैक्ट नेम जो हम ईच इंडिविजुअल को देंगे प्रॉपर नेम एग्जैक्ट नेम हम देंगे गिवेन टू ईच इंडिविजुअल उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं अब यहीं तक मैं रोकती हूं और अब मैं बता दूं आपको हा? सुनो ध्यान से देखना ध्यान से एग्जाम का क्वेश्चन वंस अपन ए टाइम द लिफ्ट टू बॉयस द नेम्स फॉर राम एंड श्याम बेटा सीरियस का क्वेश्चन सुनना एक सीरियस का क्वेश्चन आफ्टर अ वाइल दे लेफ्ट अब मुझे बताना ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा था ये सीरियस का क्वेश्चन मैं पूछ रही हूं क्योंकि सीरियस में क्वेश्चन पूछता है पार्ट ऑफ स्पीच से आप बताओ क्या होगा आफ्टर दे लेफ्ट यहां पे वाइल क्या है जल्दी से फटाफट आंसर दो तो वेरी गुड बहुत अच्छा नाउन है आफ्टर अ वाइल्ड कैसे पता नाउन है भाई ये ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है उसका रीजन है आर्टिकल आर्टिकल के बाद नाउन आता है आर्टिकल के बाद नाउन आता है ये क्वेश्चन आया हुआ है सीरियस का अवेलेबल आपके आप में लोड हो जाएगा सारा पीडीएफ उसकी चिंता आप मत करो क्लियर आप इस कहानी के आगे में बढ़ती हूं और सुनो ध्यान से बेटा मैंने आपको कॉमन नाउन समझा दिया और मैंने आपको दूसरा प्रॉपर नाउन समझा दिया ठीक है क्लियर चलो आगे देखते हैं अब इसी कहानी में मैं आगे चलती हूं दे हैड ग्रेट लव फॉर ईच अदर दे वर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट एंड लिसनिंग टू स्टोरीज देखो अब ध्यान से सुनना अब मुझे जरा बताना इसमें कहां पर नाउन है ध्यान से देखना बेटा नाउन कहां पर है दे हैड ग्रेट क्या दे हैड ग्रेट लव फॉर ईच अदर मैंने यहां पर जो नाउन माफ किया है आर्टिकल देखकर माफ किया बेटा हमने टू के बाद बॉइज कहा आपको पता ये टू क्या है ये टू संख्या बता रहा है इसको हम कहते हैं डेटमिनर ये टू को हम कहते हैं डेटमिनर और ये ए को कहते हैं हम आर्टिकल तो आर्टिकल के बाद नाउन आता है डेटरमिनर के बाद नाउन आता है ना व्हाट इज़ डेटरमिनर? सुनो ध्यान से डेटरमिनर क्या है? मैंने कहा आई हैव टू कहोगे मैम टू क्या आई हैव टू बुक्स हाँ ऐसे बोलो ना आई हैव टू बुक्स इसका मतलब है कोई भी वर्ड जिसके बाद नाउन लगाओगे तभी सही लगेगा ही इज माई ही इज माई क्या ही इज माई क्या हीज माई फ्रेंड ओके अब समझ में आया माई डेटोमिनर जिसके बाद नाउन आएगा ही आएगा और डेटोमिनर चैप्टर अलग है इसलिए हम अभी जिद नहीं करेंगे आपको डेटोमिनर पढ़ पढ़ो क्या देव बेटा लव वर्ब भी है लेकिन यहाँ पे तो वर्व यहाँ पे आ रहा है बोलोगे वर्व क्या है बेटा जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो किसी सब्जेक्ट से करते हैं और यहां पे लव प्यार करना नहीं है सिर्फ प्यार है प्यार करना करना वर्ब होता है अदरवाइज आप कहते हो लव यहां पे नाउन है आप कहोगे मैम आर्टिकल नहीं लगाया भाई लव की गिनती हो सकती है क्या आप कहोगे उसके पास एक प्यार था एक दूसरे के लिए नहीं लव अनकाउंटेबल नाउन है अब हम इस पॉइंट पे भी आएंगे भी भाई नाउन को आप काउंटेबल अनकाउंटेबल भी पढ़ना पड़ेगा लेकिन बेटा एक बात बताओ लव क्या छू सकते हो नहीं लव गिन सकते हो नहीं सिर्फ महसूस कर सकते हो यानी जब आप लव की बात करते हो तो हम नेक्स्ट में आते हैं एंड दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है बेटा मैं टाइप्स भी बताते जा रही हूं और नाउन पहचानने का तरीका भी आपको बताते जा रही हूं सुनो ध्यान से सब सही होगा आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को सही करो ठीक है सब सही होगा सुनो ध्यान से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है भाई जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं ऑनेस्टी कोई कहता है मैम मैं बहुत ऑनेस्ट हूं अब मैं उसको रख लू हाँ हाँ बोल रहा है ऑनेस्ट हूं ऑनेस्टी होगा इसमें भाई मैं नहीं मुझे नहीं पता वो तो कुछ बहुत सालों बाद पता चलता है कि ईमानदार है कि बेईमान है क्योंकि वो ऐसी चीज है जो आप सालों साल बाद भी महसूस कर लिए तो बहुत बड़ी चीज है क्योंकि वो देख नहीं सकते वो गिन नहीं सकते सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नाउन दैट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी टच्ड जो आप छू नहीं सकते गिन नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हो नैन्सी मिश्रा वेरी गुड

ये जो ऑफ है नाउन आया और इस ऑफ के बाद तो इससे क्या पता चलता है आ जाओ वापस कॉमन नाउन बताता है सबके बारे में एक ही कैटेगरी के जो होते हैं प्रॉपर नाउन एक एक के बारे में बताता है अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो नाउन आप महसूस कर सकते हो छू नहीं सकते हो फाइन पाओ वापस नाउन कहा आता है नाउन आता है आफ्टर आर्टिकल अभी पहला बताया आपको नाउन कहा आया आफ्टर प्रेपोजिशन ये भी तो ध्यान रखो पहला मैंने बताया नाउन आफ्टर आर्टिकल अब आती हूं सेकेंड में नाउन कम्स कैसे पता आफ्टर प्रपोजिशन भाई प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है वॉट एज प्रेपोजिशन भाई पोजिशन बताने वाला शब्द ऑन एन एवर बिलो बिफोर अबाउट राइट समझ में आया क्लियर hmm. हूँ बेटा मुझसे आप मिल सकते हो मुखर्जी नगर आ जाओ क्लास के बाद मिल लेना सुना दे है फॉर इच हद विकेट बेटे एक काम करते हैं मीन्स क्रिकेट और एंड को हटा देते हैं तो आप कहोगे मैम लिसनिंग हो गया देवर फॉन्ड ऑफ लिस्निंग भी ना उन्हें क्या यस yes, ये अलग चैप्टर में पढ़ोगे ध्यान से सुनना लिसनिंग वर्ग का आई एन जी फॉर्म कहा आया है प्रेपोजिशन के बाद आया है तो ये भी नाउन है अब बोलोगे मैम ये तो वर्व का आईएनजी फॉर्म है भाई प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है बोलोगे प्रेपोजिशन के बाद कहाँ आया चलो तुम हटा दो क्रिकेटर एंड दे वर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू स्टोरीज वो स्टोरी सुनने के फॉन्ड ऑफ थे मतलब उनको अच्छा लगता था ध्यान से देखो बेटा ध्यान एक चीज जब वीवन आई नाउन के रूप में आता है तो बेटा ये अलग चैप्टर है और इसको हम कहते हैं जरेंड जरेंड क्या है कभी तो भी पूछे जरेंड क्या है बोलना वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो भाई वर्व है ना ना वर्व का आईएनजी फॉर्म है जो नाउन का काम करता है ठीक है अब देखो फिर से ध्यान से हमारा एक और प्रेपोजिशन टू आ गया तो टू के बाद स्टोरीज भी तो नाउन है ठीक है क्लियर समझ में आया क्लियर नेक्स्ट सुनो अब अगर मैं ये कहूं कि भाई हमें नाउन के कितने कैटेगरीज पढ़ा दिया मैंने आप कहोगे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन राइट क्लियर अब आओ वन डे दे मेट एन आर्मी एंड गॉट एट्रैक्टेड Towards their dress and discipline. अब सीधा सीधा ध्यान से समझते जाओ बेटा अगर मैं कह रही हूं वन डे दी मेट एन आर्मी भाई एन लगाया तो ये जरूर नाउन गॉड अट्रैक्टेड टू वर्ड्स देर अगर मैं कहूं आई लव देर बोलोगी आई लव देर क्या क्या यह अगेन डेटर है क्योंकि there में हम सेंटेंस खत्म कर ही नहीं पाएंगे तो यह ड्रेस किसी चीज का नाम ही तो ड्रेस है discipline, कि ये discipline भी किसी चीज का नाम तो है लेकिन पता नहीं किस चीज का नाम है क्योंकि हम कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको हम छू सके कुछ ऐसी चीज है जो फील कर सकते हैं डिसिप्लिन क्या है लेकिन छू नहीं सकते बट कहोगे ड्रेस मैं भाई सूट था पैंट्स था शर्ट था क्या था आप कहोगे खाली ड्रेस लिखा हुआ है तब ये तो क्या हो गया ड्रेस भाई ये कोई पर्टिकुलर ड्रेस का नाम तो ले नहीं रहा है तो ये कॉमन हो गया है ना तो आ जाओ सबसे पहले आर्मी क्या होता है वन डे so, जब नाउन पढ़ते हो तो शुरुआत ही और इसी से करूंगी कि भाई अगर मैं सब तरह का नाउन बता रही हूं तो भाई हर नाउन को समझने की महसूस करनी पड़ेगी आपको ठीक है आपको महसूस करना पड़ेगा वन डे दे मेट an आर्मी आर्मी की अगर हम बात करें ध्यान से सुनना बेटा ये आर्मी का मतलब होता है कि जब आप किसी के कलेक्टिव एक नाम देते हो चलो मैं आपसे एक और पूछती ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं और ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं बताना तो नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन की हम बात करें आ जाओ कलेक्टिव नाउन होता क्या है द नेम्स ऑफ द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सनस ऑफ थिंग्स अब हम इतना लंबा छोड़ा क्या करें ये बर्ड, सागर, very good. बर्ड के ग्रुप को कहते हैं। DP सिलेक्शन की मिठाई खिलाने आना है मैम ऑफिस में मिल जाओगे संगीता सिंह बिल्कुल मानसी से बेटा आप contact कर लो आपको मोस्ट वेलकम करेंगे हम लोग ठीक है मानसी से contact कर लो संडे को तकरीबन पंद्रह सोलह बच्चे आए थे इंटरव्यू देने के लिए लेकिन उन लोग को है ना अब ट्रेनिंग शुरू हो गया सिर्फ सैटरडे संडे फ्री है इस सैटरडे संडे भी करीबन पच्चीस से तीस बच्चे आएंगे क्योंकि आप लोग का इंटरव्यू भी होता है जब आओगे मिठाई खिलाने तो यस yes, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं कलेक्टिव नाउन देखो वन डे दे मेट एन आर्मी एंड गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टूवर्ड्स ड्रेस एंड डिसिप्लिन इसका मतलब है कि वो उनके ड्रेस और डिसिप्लिन की तरफ अट्रैक्टेड हो गए ठीक है The army gave him a book to read. The book contained stories of valor and sacrifice tell akshara all batate nouns and sacrifice that worth more than tons of gold both the boys Now, had their real heroes to mentor. Their future. अब मुझे फटाफट इस कहानी को मैंने खत्म कर दिया और आप मुझे बताओ इसमें कौन सा नाउन है कहां कहां नाउन है कलेक्टिव नाउन वैलर इस नाउन ऋषभ ने कह दिया वैलर नाउन है बेटा वैलर का मतलब वीरता बिल्कुल सही है वीरता और बताओ और कौन कौन सा नाउन है इसमें जल्दी बताना संगीता, कल मिल सकती हो, ठीक है मोस्ट वेलकम आप बात कर लो मानसी से दोपहर में आ जाना बताओ जल्दी से फटाफट नोटिस बेटा क्या है? वी गो द कूलर वी फील बेटा यहां पे वो एडवर्ब का काम कर रहा है हालांकि द हायर द प्लस कंपेरेटिव डिग्री है ठीक है चलो देखो ध्यान से द आर्मी गेव अब देखो सीधा सीधा बेटा द है तो आर्मी नाउन है कलेक्टिव नाउन गेव हिम अ बुक बेटा अगेन नाउन है आर्टिकल के बाद द बुक बुक के पहले द आया कलेक्ट वो नाउन है कंटेन्ड क्या स्टोरी का प्लूरल स्टोरीज बेटा प्लूरल भी तो हम नाउन का ही बनाते हैं ऑफ ऑफ मतलब आर्टिकल सॉरी ऑफ मतलब प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है वैलर एंड अगर मैं एंड हटा देती तो स्टोरीज ऑफ सैक्रिफाइस होता है यानी त्याग दैट वर्थ मोर देन ऑफ ऑफ के बाद गोल्ड आया हम आगे नेक्स्ट नाउन में मेरा पांचवा नाउन आ गया दैट इज मेटीरियल नाउन मेटीरियल नाउन सुनो ध्यान से मेटीरियल नाउन वो होता है जो नेम्स ऑफ मेटीरियल बताता है जिससे बाकी चीज बनती है जैसे वुड कॉटन गोल्ड सिल्वर यानी मेटीरियल नाउन हो गया द नेम्स ऑफ मेटीरियल मेटल एक्सेट्रा जिससे कुछ और बनाया जाता है पांचों नाउन मेरा खत्म प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन

समझ में आया तो ये बेटा बिल्कुल आपको कंप्लीट एक साथ मैंने बता दिया पांचों नाउन हर व्यक्ति को जो एक ही कैटेगरी का एक ही क्लास का है सबको जो नाउन दिए हुए हैं हम वो कॉमन नाउन हर किसी का पर्टिकुलर नाम होता है प्रॉपर नाउन। उसके अंदर जो क्वालिटीज होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उनके ग्रुप को जो कहते हैं वो कलेक्टिव नाउन और जो चीजों से दूसरी चीजें बनती है वो होता है मेटीरियल नाउन हम नाउन कहां लगाते हैं तो मैंने आपको अभी दो तीन चीजें बताई है और वो बताया है कि नाउन आर्टिकल के बाद आता है नाउन के बाद आता है और तीसरा बताया है मैंने नाउन प्रेपोजिशन के बाद आया है क्या बताया मैंने आपको नाउन आफ्टर आर्टिकल फिर मैंने बताया है नाउन आफ्टर प्रेपोजिशन और तीसरा मैं बता दूं उन आफ्टर डेटमिनस और डेटमिनर अलग से चैप्टर ही है इसीलिए मैं खाली यहां पर आपको एक छोटी सी बात बता के छोड़ दूंगी कि भाई डेटमिनर का मतलब अगर मैं कहूं ही इज माई तो पूछोगे मैं माई क्या माई क्या रीड नाउन नहीं होगा बेटा रीड तो वर्ब होगा कशिश रीड वर्ब होगा तो so, नाउ no. नाउन डिटरमिनर के बाद आता है और डिटरमिनर्स क्या होता है डिटरमिनर्स का मतलब होता है जो डिटरमिन करता है कि भाई सेंटेंस अधूरा लग रहा है कुछ नाउन इसके बाद लगा दो ना समझ में आया बेटा ये आपको हम टाइप्स ऑफ नाउन बताए चलो अब मैं आगे चलती हूं फिर से और नाउन कहां-कहां आता है सुनो पीपल स्पीक इंग्लिश ध्यान से देखना पीपल स्पीक इंग्लिश बेटा पीपल मतलब है लोग लोग मतलब किसी को नाम ही तो दिए हैं लोग राइट अब देखो जरा ध्यान से ये जो पीपल है बेटा ये ये बोलते हैं, तो जो क्रिया करता है ना वो क्रिया कहलाता है वर्ब कहलाता है और क्रिया करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है सब्जेक्ट का मतलब होता है करता 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 करने वाला करता और वो क्या करता है बेटा उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिन पर काम किया गया वो ऑब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेटा यहां पे लोगों को नाम क्या दिया गया है और यहां पे कहोगे भाषा को क्या नाम दिया गया है यानी कि अगर हमने आपको अभी बताया था कि नाउन कहां आता है तो वो तीसरा पॉइंट लिखाया था अब मैं आती हूं नाउन कहां आता है तो नाउन का प्रयोग आप देखोगे करने वाले कर्ता के प्लेस पर इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नाउन का प्रयोग होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर बेटा रीड का मतलब पढ़ना होता है वर्ब होता है ठीक है बेटा ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चल रहा है अगर आपको स्पोकन लेना है तो स्पोकन बैच आओ फिर से अब मुझे जरा बताना दिस इज माई बुक बेटा इसमें नाउन कहां है जरा बता देना ठीक है दैट दिस बुक डैट बुक या दिस बुक इज गुड अब यहां पर नाउन कहां है यह भी देख के बता दो कि कहा आ रहा है हु? यस मेंटोर नाउन है मेंटोर नाउन है यस मेंटोर भी नाउन है छूट गया क्या मेंटोर हाँ huh? नहीं 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 यहाँ मेंटोर नाउन नहीं बेटा मेंटोर नाउन है लेकिन टू है ना टू के बाद यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म आ गया है क्योंकि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो वर्ब का भी काम करते हैं ध्यान रखना बताओ नेक्स्ट कहाँ पे आया नाउन इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नेक्स्ट दिस इज माई बस अब बोलोगे माई क्या कुछ तो बताओ आगे माई बुक नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा इसका मतलब है कि ये जो माई है इसके बाद नाउन आना जरूरी है है ना ये माई जो है बेटा ये भी डेटमिनर है ये पजेसिव एडजेक्टिव है और दिस के बाद अगर नाउन आ रहा है तब ये डेटर है अगर इसके बाद नाउन नहीं आ गया तो पता ये क्या हो जाएगा ये प्रोनाउन हो जाएगा ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो आप धीरे धीरे करोगे ये सारे अच्छे खासे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ये आप बहुत धीरे धीरे करोगे देखो ध्यान से ठीक है हम लोग जो कर चुके उसको मैं थोड़ा सा समझा दू आपको अब जरा आप आ जाओ ये देखो जो पढ़ाया ही इज अब आगे बीच में मैंने चाहे कुछ भी लगा दिया हो टीचर नाउन आर्टिकल के बाद नाउन पढ़ाते हैं नाउन लगाते नीतू मैम सब्जेक्ट टीचर्स क्या इंग्लिश ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन आता है आई एम फॉन्ड ऑफ प्रेपोजिशन के बाद नो इन्फॉर्मेशन बेटा नो डेटमिनर है डेटमिनर no no के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं नो एनी मैनी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जितना लगा दो ठीक है ये हो गए determiners। आई नीड अ लिटिल शुगर बेटा शुगर चीनी को कहते हैं लिटिल देखो अगेन ये भी determiner। एडिक्टेड टू टू के बाद ड्रिंक drink ने ड्रिंकिंग कहा है ये है gerund। verb का ing फॉर्म नाउन के रूप में आए तो जेरेंड कहलाता है My बुक my के बाद देखो नाउन यानी my his हर योर ये सब भी determiners में आते हैं और मैंने आपको यह खत्म करा दिया और क्या खत्म कराया है मैंने ये भी खत्म करा दिया देखो पूजा थैंक यू सो मच जो पढ़ाया ध्यान से देखो प्रॉपर नाउन एग्जैक्ट नाम जैसे इस देश का नाम है इंडिया इस शहर का नाम है दिल्ली उस लड़के का प्रॉपर नाम है राम लेकिन एस होल इंडिया नहीं पता तो कंट्री बोलेंगे दिल्ली नहीं पता तो सिटी बोलेंगे छोटा होता तो टाउन कहलाता महानगर है तो मेट्रोपोलिस कोई वर्ड ही नहीं है मेट्रोपोलिटन का मतलब होता है महानगरीय तो महानगरीय नगर बोलोगे कभी नहीं महानगरीय मेट्रोपोलिटन लाइफ बोल दोगे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं लेकिन मेट्रोपोलिटन सिटी रॉन्ग वर्ड है है ना इस पूरे अर्थ को तो कॉमनली प्लेनेट बोलोगे जो मैंने कहा था जो महसूस कर सकते हैं छू नहीं सकते जॉय लव सॉरो हेट्रेड ऑनेस्टी है ना सिंसियरिटी मेटीरियल नाउन जो मेटल बताता है या नॉन मेटल गोल्ड कॉटन सिल्वर एंड कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप को कहते हैं अब इसमें हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट इनमें से चारों में से नहीं है प्रॉपर नाउन इंपॉर्टेंट है आर्टिकल चैप्टर में किसके साथ आर्टिकल आएगा किसके साथ नहीं आएगा वो अलग चीज है मैं आती हूं कलेक्टिव नाउन में कि भाई किसके कलेक्शन को क्या कहते हैं चलो देखो कौन सा नाउन है और उसके कलेक्शन के लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो कौन सा कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करेंगे आप मुझे खाली संख्या जो नंबरिंग दिया होगा ना वो नंबर के हिसाब से मुझे बताते चले जाना तो जैसे हम बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहेंगे हम इंसेक्ट्स के ग्रुप को क्या कहेंगे स्पेशली आउल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहेंगे पीपल के ग्रुप को क्या कहेंगे और पीपल अगर एंग्री या डिस हो गए, डिसऑर्गेनाइज यानी अफरा तफरी मची हुई है ऑर्गेनाइज या फिर एंग्री है ऐसे गुस्साई हुई भीड़ को हम क्या कहेंगे चलो फटाफट नंबर डाल के मुझे बताते चले जाओ तो किसके ग्रुप को क्या कहेंगे जल्दी से जल्दी वेरी गुड बस यही तो मैं देखना चाह रही हूं कि आपको पता है कि नहीं बर्ड्स के ग्रुप को हम फ्लॉक कहेंगे इसलिए कहते हैं पंछियों का झुंड फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इंसेक्ट्स के ग्रुप को हम स्वम कहेंगे उल्लुओं के ग्रुप को पता है क्या नाम दिया गया है सुनोगे तो आश्चर्य लगेगा पार्लियामेंट देख रहे हो स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहते हैं पीपल के ग्रुप को क्राउड कहते हैं हालांकि हम अगर झुंड की बात करें तो एक और वर्ड है ओ आर डी और गुस्साई हुई भीड़ है उसको हम मॉब कहते हैं देखो है ना स्वाम ऑफ बीस स्वाम ऑफ लोकस्ट कहते हैं ना है ना देखो और करें अभी ये सारा मिल जाएगा रुक जाओ अभी मुझे खत्म कराने दो सिक्स हुए आज सेवन अब हमने बर्ड्स कहा था अब लाइन बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहेंगे ठीक है फिर स्टेयर सीढ़ियों का एक साथ पांच सात सीढ़ी एक साथ ले लो तो ग्रुप को क्या कहेंगे फ्लावर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे लायंस के ग्रुप को क्या कहेंगे ants के ग्रुप को क्या कहेंगे डॉग्स के ग्रुप को क्या कहेंगे और ताश के जो पत्ते होते हैं कार्ड्स के ग्रुप को क्या कहेंगे चलो फटाफट बोलो तो फटाफट लिखते चले जाओ तो और सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे जल्दी फटाफट बताओ मुझे तो मीनिंग ही समझ में नहीं आ रही किस काम की स्पेलिंग है मतलब सजावट का यार इतना साफ सुथरा तो लिख रही हूं मैं नहीं निखिल कहीं किसी जगह के जो वहां के वेजिटेशन होते हैं ना बेटा उसको फ्लोरा कहते हैं और उस रीजन के एनिमल्स को फोना कहते हैं यहां पे फ्लोरा नहीं होगा ठीक है फ्लाइंग बर्ड्स के ग्रुप को हम फ्लाइट कहते हैं फ्लाइट ऑफ बर्ड्स लेकिन जाते हो चार पांच सीढ़ियां एक साथ कूद गए ही जम्प्ट ओवर द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स स्टे के ग्रुप को भी फ्लाइट कहते हैं देख रहे हो फ्लावर्स के ग्रुप को ऐसे पकड़ के दे दिया बंच सजा के दिया बढ़िया से बना के, बुके बुके का स्पेलिंग देखो और बोलते हैं बुके लायंस के ग्रुप को प्राइड कहते हैं प्राइड तो बोलोगे गर्व की बात को गर्व को कहते हैं है, प्राइड कहते हैं लायंस के ग्रुप को, को भी आंस के ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं डॉग्स के ग्रुप को पैक ऑफ डॉग्स और कार्ड्स के ग्रुप को भी पैक कहते हैं लेकिन इसके ग्रुप को हम लोग डेक भी कहते हैं डेक ऑफ कार्ड्स सोल्जर्स के ग्रुप को तो कई नाम है यार अभी बताया था एक आर्मी है ना एक बटालियन फेर रेजिमेंट है ना अलग अलग ग्रुप प्लाटून कहते हैं ना देखो <coughs> चलो और दू देखो तो क्लियर नेक्स्ट आओ कितने हो गए फोर्टीन बुलेट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं अगर बुलेट्स धनादन फायर किया जा रहा है एक के बाद एक बुलेट्स इन एक एक, के बाद सक्सेशन। लेकिन एक और बुलेट्स होते हैं जो सेल्यूट के रूप में फायर किया जाता है सलामी देने के लिए बुलेट्स फायर एस सेल्यूट एक मिनट एक वर्ड यहां छूटा था जिसको मुझे डिफरेंस बताना था इसीलिए इसको बेटा ट्रूप भी लिख देना डबल ओ पी क्योंकि इसका नेक्स्ट मुझे और भी एक कराना है अठारह डांसर्स या परफॉर्मर्स इनके ग्रुप को क्या कहते हैं सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे ठीक है स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं अब आ जाओ फटाफट लिखो हम्म अच्छा क्या बेटा क्या रिप्लाई देना बताओ मैं पलट के लिख रही हूं बेटा हाँ बताओ क्या अब आप लोग पूछ लेना बस थोड़ा सा ये खत्म कर लू फिर आप लोग पूछ लेना बुशरा वेरी गुड ये तो लड़की आगे पढ़ी लिखी हाँ? तुम बैच की थी ना स्टूडेंट हम्म रोमी तुमने तो मुझे एक और वर्ड दे दिया ग्रुप का नाम लिख के म्यूजिशियंस इनके ग्रुप को क्या कहते हैं ये देखो आजा सुनो ध्यान से जो बुलेट्स होते हैं गोलियां उनके ग्रुप को वॉली कहेंगे दन दना के गोलियां जो चल रही है उसके लिए वर्ड होता है नीचे दिखाओ ये कमेंट यस मुझे पता था बुशरा तुम स्टूडेंट हो है ना हम्म मुझे जानते हो स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं ना आप में बहुतों का नाम बहुतों का नाम याद रह जाता है उसका एक सेकंड फ्यूसिलेड यस yes. पता क्यों नाम याद रह जाता है रीजन बताऊं क्योंकि ये रेगुलर रहते हैं ये रेगुलर होते हैं फ्यूसिलेड और salute. Salute, कि सलामी के रूप में बेटा इसको कहते हैं सैल्वो ठीक है क्लियर नेक्स्ट आप डांसर्स और परफॉर्मर्स इनके ग्रुप को कहते हैं ट्रूप लेकिन इसका स्पेलिंग अलग है सोल्जर्स के ग्रुप से इसलिए तो मैंने वहां लिखवा दिया सिंगर्स के ग्रुप को कहते हैं। स्टार्स के ग्रुप बेटा गैलेक्सी कहते हैं लेकिन एक वर्ड और याद रखना कि जो स्टार्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है ना सुने ग्रेट बेर सप्तऋषि उनको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन उसको मैं ट्वेंटी टू में लिख देती हूं अ पर्टिकुलर पैटर्न पैटर्न कॉन्स्टलेशन ठीक है देखो वापस आओ म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम बैंड कहते हैं बैंड कहते हैं ना बैंड इज प्लेइंग क्योंकि musicians के ग्रुप को हम लोग बैंड कहेंगे अब आप लोग अपने जितने भी बेटा अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ ये मुझे अब अपने क्वेश्चंस पूछ लो जल्दी से जल्दी फ्यू का स्पेलिंग तो मैंने सही लिखा था आप लोगों ने कह दिया मैंने चेंज कर दिया फ्यूसिलेड का स्पेलिंग तो मैंने सही लिखा था फ्यूसिलेड ठीक तो था देखो एक बार चेक कर लू मैं F -u aside, ठीक है? बिल्कुल सही लिखा है मैंने. हो गया? Hmm. बोलो. आ, नीचे करूं, आ, कमेंट्स मूव नहीं हो रहे नीचे 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 नीचे, नीचे हाँ दिखाओ यस yes. पीडीएफ अभी दे देंगे बेटा थोड़ी देर में अभी पूरा हुआ भी नहीं है ग्रुप के नाम बहुत है अभी ग्रुप के नाम काफी है बेटा क्लस्टर ऑफ स्टार्स नहीं होता अगर आप कहोगे क्लस्टर तो बेटा किसी भी चीज के झुंड को क्लस्टर कह दो उससे क्या फर्क पड़ेगा क्लस्टर तो किसी भी चीज के जमावड़ा को कह देंगे ठीक है अभी हुआ नहीं है कंप्लीट सुनाओ अब आओ गाबेज गाबेज के हम ग्रुप को क्या कहेंगे पीपल <coughs> इन सेम ऑक्यूपेशन अगर है सेम ऑक्यूपेशन वाले पीपल है तो उनके ग्रुप को क्या कहेंगे और पुलिसमैन के ग्रुप को क्या कहेंगे ठीक है नौकर चाकर जो होते हैं अटेंडेंट्स की बात अगर हम करें तो अटेंडेंट्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे ऑफिसर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं और लड़कियों के ग्रुप को क्या कहते हैं बताओ चलो देखो गार्बेज हो या डर्ट हो बेटा उसका एक पहाड़ सा बन जाता है तो गार्बेज के ग्रुप को हम हीप कहते हैं उधर लिखती हूं मैं एक जगह पे हीप कहेंगे पीपल इन सेक, सेम ऑक्यूपेशन होता है ना तो वो पौसे कहलाता है पौसे पुलिसमैन के ग्रुप को भी पॉसे कहते हैं जो अटेंडेंस होते हैं उनके ग्रुप को हम रेटिन्यू कहते हैं ऑफिसर्स के जो ग्रुप होते हैं बेटा उनको हम बेवी कहते हैं और गर्ल्स के ग्रुप को भी हम बेवी कहते हैं ये देखो ठीक है सक्सेशन सक्सेशन कहते हैं उसको बेटा ठीक है और बताओ अब तुम कह रहे हो सेलर्स बेटा अगर आप कोई भी एम्प्लॉयज होते हैं एम्प्लॉइज ऑन शिप या प्लेन इनके ग्रुप को कहोगे तो इनके ग्रुप को हम क्रू कहते हैं समझ में आया क्लियर और बताओ किसके ग्रुप की बात करें अभी तो काफी बाकी है लेकिन आपकी मर्जी हो वो बताऊंगी मैं बताओ ऑक्यूपेशन मतलब बेटा एक ही तरह के काम में <laughs> ऐसा कुछ नहीं बेटा लेजी पीपल के ग्रुप को कुछ कहोगे हा सुनो बेटा पिसेंट्री अलग होता है पिसेंट्री का मतलब फार्मर्स को कहते हैं वो कोई ग्रुप का नाम नहीं है याद रखना वो ग्रुप का नाम नहीं है जैसे पुलिस किसी ग्रुप का नाम नहीं है अच्छा सागर ये तो अपना ही चला रहा है ऐसा नहीं होता अरे कौन सा वीडियो डाल दिया बेटा कौन सा वीडियो डाल दिया है यस लेबरर्स के ग्रुप को ये हम कह सकते हैं आप जैसे लेबरर्स बेटा लेबरर्स बेचारे इतने दुखी होते होंगे क्योंकि ये जो मजदूर होते हैं उसको लेबर नहीं कहते हैं, उसको लेबरर कहते हैं। और जितने क्रिमिनल्स है ये सोचो क्रिमिनल्स के साथ इनको रख दिया गया इनके ग्रुप को हम कहते हैं क्या गैंग ठीक है अब मेरी बात एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो वो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगी ये क्या हो रहा है आज तो यूट्यूब में मेरा एक छोटा सा होके दिख रहा है यूट्यूब आज तो सुनो मैं एक छोटी सी बात आपको बता बेटा आप बहुत जगह पढ़ते हो जगह जगह पैसे खर्च करते हो और फिर उसके बाद कहते हो मैम उन्होंने बहुत थोड़ा सा पढ़ाया उन्होंने बहुत जल्दी निपटा दिया बेटा मैं ये पूरी कंप्लीट किताब जो है ग्रामर की ये पूरा कंप्लीट पढ़ाती हूँ आपको अब आप कहोगे कि, कि मैम आप कहीं कम ना पढ़ाओ कहीं कुछ मारना लो बीच में से बेटा ये पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा इसीलिए जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो आप कहोगे कि मैम आपने जो पढ़ाया क्या आपने रेलेवेंट पढ़ाया या आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया बेटा मैं कुछ कैसे छोड़ दूंगी जब वो पूरा का पूरा आपको पीडीएफ में सब कुछ एक साथ मिल जाएगा आपको जब देखोगे ग्रुप का नाम तो आपको खुद महसूस होगा कि यार मैम ने जो पीडीएफ में ग्रुप का नाम दिया है उससे ज्यादा ही क्लास में करा दिया उससे कम क्लास में नहीं कराया देखो अभी मैं कलेक्टिव नाउन करा रही हूं ठीक है कलेक्टिव नाउन उसमें लास्ट में दिया है मैं अभी करा रही हूं क्यों क्योंकि मैं एकदम प्रॉपर प्रॉपर ऑर्डर में चल रही हूं कि भाई कलेक्टिव नाउन नहीं खत्म करूंगी तो आपको महसूस होगा कि भाई जितना मैम ने कराया है अभी देखो इसमें कितने हैं इसमें कितने ढेर सारे सिक्सटी सेवन है इसमें तो इसका मतलब है मुझे अभी थर्टी कराया मैंने मुझे आधा आधी और कराना है और याद रखना कि हमें बेटा पढ़ाना तो पड़ेगा पूरा कंप्लीट क्योंकि हम आपको जो देंगे वो कोई भी एग्जाम देना है चाहे वो एस का हो बैंक का हो सी हो एन हो आपका टीजीटी हो पीजीटी हो हर तरह का एग्जाम जो है वो पूरा कंप्लीट मुझे कवर करना है तो एज सच में नहीं है कि मैं थोड़ा सा करा के छोड़ दूंगी दूसरी बात है कि अगर आप देखोगे कि भाई मुझे अभी मुझे जल्दी खत्म करना है मैम क्योंकि मुझे एग्जाम देना है और मेरा एग्जाम आ गया है सीपीओ का अब सीपीओ का कोई भी अगर चाहो तो ले लो अब वीओडी बैच ले लो मैथ्स भी हो जाएगा रीजनिंग भी हो जाएगा इंग्लिश भी पूरा हो जाएगा और जीएस भी पूरा हो जाएगा प्री प्लस मेंस पूरा कंप्लीट कवर्ड हो जाएगा ठीक है अगर सी एस आई आर का डिस्क्रिप्टिव लोगे अभी आपको बहुत सारा वीडियो मिला है मैं कुछ टाइम बाद इसमें बिल्कुल लाइव पढ़ाऊंगी तो आप ध्यान रखना आप ये सब जब कर रहे हो ना आप वॉल्यूम बोलोगे वॉल्यूम वन का बैच अलग है अभी जो बैच आपको मैं बोल रही हूं वो है फिफ्टी वन आराम से लो सात आठ महीने में बहुत अच्छे से मैं कवर कराऊंगी बड़ी में हो तो वीओडी ले, ले लेना लेकिन अगर आप इसको ले लोगे सब सब्जेक्ट के साथ यानी कि अगर इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स जीएस प्लस 300 देखो टेस्ट सीरीज है सारे एग्जाम्स का फिर आपको प्रॉपर वीओडी भी सारे सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा आपको लाइव क्विज भी मिलेगा आप ये ऑफलाइन भी वॉच करते हो कर सकते हो क्लास यानी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीएस सब कुछ लोगे तो फोर में मिलेगा लाइव प्लस वीओडी प्लस टेस्ट सीरीज और सारे सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट कलर्ड पीडीएफ बेटा इससे सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा अगर आप सिर्फ इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश का सिलेबस बहुत वास्ट है इसमें मैं पूरा वॉल्यूम वन का आपको वोकैबलरी दे देती हूँ पूरा वॉल्यूम वन मैंने सिनोनिम्स दिया हुआ है इसमें मैंने आपको वोकैबलरी का ट्वेंटी शीट्स का करीबन ढाई तीन हजार वोकैबलरी का वीओडी लोड कर दिया है नए वीओडी नए बैत नए जो वो कैब है वो करवाऊंगी अब मैं आपको और ग्रामर पूरा लाइव कराऊंगी तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं मैम बहुत रेट है आपका तो बेटा आप समझते हो साढ़े पांच सौ पेज का ये पूरा बुक है ये मुझे पढ़ाना है इसके बहुत सारे सेक्शन मैंने आपको लोड किया हुआ है हर चैप्टर के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर भी साथ में लोड करते जा रही हूं अब क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं 2023 तक के ठीक है तो बेटा ये सब कुछ देने में खर्च आता है इसीलिए एक बार अच्छे से पढ़ लो सब कुछ कंप्लीट तैयारी आपको करा देंगे और केरी कैंपस और केरी लाइव बेटा आपको अगर आप कहा पढ़ते हो आप हो ऑनलाइन बेटा आप आओ ऑफलाइन आप एक चीज माफ करोगे ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में सिर्फ और सिर्फ केड़ी कैंपस है उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं है जो फुल कोर्स फाउंडेशन हर सब्जेक्ट का आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा ठीक है तो ऑफलाइन में जब पूरे ऑल ओवर इंडिया से मुखर्जी नगर लोग आते हैं तो बेस्ट जगह आते हैं तो बेस्ट जगह का मतलब हो गया कि हमारे यहां सिर्फ आते हैं ना डेमो ना कुछ मांगते हैं वो सीधा एडमिशन लेते हैं हॉस्टल में अपना स्टे अपना कंप्लीट कंफर्म कर, कर, करते हैं और इंतजार करते हैं न्यू बैच शुरू होने का वो डेमो वगैरह कुछ नहीं लेते हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ डेमो के लिए जगह ही नहीं रहेगा तो आप कभी घूमने फिरने आइए मुखर्जी नगर मुझसे भी मिल लीजिएगा लेकिन आपको पता चलेगा कि ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं उनको पूरा यहाँ एक इको मिलता है इसीलिए अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो मैं कहूँगी ऑफलाइन आ जाओ अगर कहोगे नहीं मैम मेरे पास पैसों की कमी है मैं नहीं आ सकता मुखर्जी नगर दिल्ली नहीं पहुंच सकता तब तो मैं कहूंगी कि भाई आसपास देख लो जैसे पटना भी आ सकते हो ना, जैसे आप जयपुर जा सकते हो आप कहोगे नहीं मैं कहीं नहीं जा सकता मेरे पास कोई पैसा नहीं है तब मैं आपको कहूंगी कि आप आ जाइए ऑनलाइन हाँ जय श्री राम बेटा वो कहीं नहीं है यहाँ पे ऑफलाइन में ऑफलाइन में बुरी तरह से पीट के रख दिया हम लोगों ने सबको ठीक है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़े हो ना साइंस में बेटा मुखर्जी नगर में जो इकोसिस्टम है यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जो फिट है वही जिंदा रहता है बाकी एक डेढ़ साल दो साल में अपने कमाए हुए पैसे सारे खत्म करके चले जाते हैं बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन कमा रहे हैं लोगों को ये दिखा के देखो हम ये वो है और ऑनलाइन का पैसा ऑफलाइन में लगाते हैं ठीक है ऑफलाइन में बच्चे को बुलाते हैं लेकिन मोर देन एटी परसेंट बच्चों को आठ नौ महीने के बाद लगता है कि हम तो ठगे गए तो बेटा आप उसके बाद जानते हो उसके बाद बच्चे ये नहीं रोते कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया फिर वो ये रोते हैं मैम बहुत समय बर्बाद हो गया एग्जाम आ गया अब क्या करें ठीक है बेटा बदरपुर जा सकते हो बदरपुर में एक से बढ़िया से बढ़िया टीचर मैंने भेजा हुआ है आप बदरपुर जाइए उत्तम नगर जाइए आप मुनिरका जा सकते हो आप लक्ष्मी नगर जा सकते हो जयपुर बदरपुर मुनिरका लक्ष्मीनगर पटना बोरिंग रोड ठीक है तो ये सब हमारे सेंटर से बेटा वो सिंगल्स के ग्रुप को कहते हैं समझ में आया इसीलिए बेटा एक बार एक साल जम के तैयारी करो उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो सीधा आप हमें मिलिए और हमसे बात करिए या फिर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए हम रात में जब फ्री होते हैं तो आपके मैसेजेस देखते हैं और चेक करते हैं है 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 ठीक है? चलो यू, बेस्ट। मैं परसों फिर इसके आगे बढ़ूंगी और ये बहुत है, लेकिन इसमें बहुत कुछ याद करना पड़ेगा ये जो बैच आप लोगे ये एक साल तक वैलिडिटी रहेगी इसका जो क्लास है अराउंड ट्वेंटी फोर में आपके ऐप में लोड हो जाएगा ये जो चैप्टर है नाउन ये नाउन का इसका पीडीएफ इसका पीडीएफ पूरा कंप्लीट चैप्टर का आपका लोड हो जाएगा जो मैं हाथ से लिख रही हूं वो हाथ का क्लास आफ्टर द क्लास वो लोड होता जाएगा ठीक है चलो थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट अच्छे से तैयारी करो मेरे साथ खेरी कैंपस और खेरी लाइफ के साथ ऑल द बेस्ट थैंक यू